स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए सोचते कि सबसे बुरी खबर जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी निकल कर आ रहा है आरक्षण मामले में। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है SC ST OBC आरक्षण जो है खत्म हो गए छात्रों के लिए, जो इस वक्त की सबसे बुरी खबर है। आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यदि आप सुनिए, अगर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो यदि आपको सभी को, चाहे SC ST OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, अगर सभी को जनरल कैटेगरी में अगर शामिल कर दिया जाए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ऐसे में आप सभी को स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि अभी भी छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण बिल्कुल ही शून्य है। और जिन्हें लगता है कि अभी छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण है, नहीं है, क्योंकि 76% आरक्षण पर अभी भी राज्यपाल जो है महामहिम अनुसुईया उइके के द्वारा जो है हस्ताक्षर नहीं किया गया है। और उनके द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने जो 1 और 2 दिसंबर को हुआ था आरक्षण मामले में विधानसभा का विशेष सत्र, उसमें उन्होंने सिर्फ ST आदिवासियों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण संशोधन विधेयक जो पारित हुआ उसके लिए उन्होंने जो है सहमति दिया था। लेकिन जो है सरकार ने सभी का आरक्षण बढ़ा दिया, जिसके वजह से महामहिम अनुसुईया उइके का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने सभी का आरक्षण बढ़ाने को बिल्कुल ही नहीं कहा था। और सरकार से उन्होंने 10 बिंदुओं पर 10 सवालों के जवाब मांगे थे, तो सरकार ने जो है 10 बिंदु 10 सवालों पर जवाब जो है दे चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है महामहिम अनुसुईया उइके के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किसी भी प्रकार के आरक्षण संशोधन विधेयक बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। और अभी भी आरक्षण का मामला जो है, विधेयक, आरक्षण का विधेयक जो है अधर पर लटका हुआ है और राजभवन में ही फंसा हुआ है। और माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं तो आरक्षण को वापस कर दें, लेकिन वो वापस भी नहीं कर रहे हैं और हस्ताक्षर भी नहीं कर रहे हैं, और ना ही 9वीं अनुसूची में इन्हें शामिल करने का आग्रह किसी भी प्रकार का किया जा रहा है। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर जल्द ही अगर 76% आरक्षण पर अगर हस्ताक्षर करते हैं राज्यपाल तो आगे जो है बढ़ाया जाएगा और 9वीं अनुसूची में शामिल करने की प्रक्रिया किया जाएगा। लेकिन किसी भी तरह से अभी ये सभी चीज़ें, मामला जो है दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, जिसके वजह से छात्रों को इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। और एक के बाद एक जो है सभी भर्ती परीक्षाएं जो है बाधित हो रही हैं, जिसके वजह से नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी शाम से भी स्टूडेंट के लिए निकल कर नहीं आ रहे हैं। और आप में से हर एक स्टूडेंट अभी इसी वजह से परेशान है, हताश है। और आप लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार कब जो है छत्तीसगढ़ में जो है नई भर्ती वैकेंसीज, नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आएगा। आप सभी स्टूडेंट नोटिफिकेशन के ही आस में है कि कब जो है भर्ती परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन निकल कर आएगा और कब हम उसमें आवेदन जो है कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक आप लोगों के लिए आने वाले समय में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसी जो है होने वाला है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण मामले की वजह से ही छात्रों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, छात्रों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो आगे भी अगर कोई भी छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण मामले में अगर छोटी बड़ी कोई भी अपडेट्स आएगा तो मैं आप सभी स्टूडेंट को अवश्य रूप से ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति बिल्कुल ही शून्य जो है हो चुका है, जिसके वजह से सभी छात्र जो है निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं। और आप सभी स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि कब जो अगर आरक्षण मामले में सभी चीज़ें क्लियर हो पाएगा और हम किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण मामले में नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी जो है देखने को मिल रहा है। तो बस आपको अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से तैयारी करना, तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके तैयारी कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए एक बेहतर, एक अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों का हो पाएगा और आप लोग एग्ज़ाम में जो है आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे, एग्ज़ाम में आप लोगों का सिलेक्शन जो है आसानी से जो है हो पाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों को नई नई अपडेट जो है आने वाले समय में जो है मिलने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अपडेट्स आएगा तो वो होगा महत्वपूर्ण नई अपडेट्स अक्टूबर महीने में जो है होने वाले SI भर्ती परीक्षा। जी हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं SI भर्ती परीक्षा को लेकर के। छत्तीसगढ़ में जो है SI सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम जो है होने वाला है। SI भर्ती परीक्षा का अक्टूबर महीने में और जुलाई महीने में जो है इसके लिए नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं
जो छत्तीसगढ़ में सीजी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि कब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन निकल कर आएगा, किस तरीके से हम इसमें आवेदन कर पाएंगे। आप सभी स्टूडेंट इसी इंतज़ार में हैं, तो जल्द ही इसके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन भर्ती विज्ञापन आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है जारी होने वाला है। तो बस मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, देन आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो ज़िंदगी कभी भी मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आप आज मेहनत करेंगे, अगर आप आज तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से देखने को मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल एससी एसटी ओबीसी आरक्षण ख़त्म हो चुका है और अभी छत्तीसगढ़ में आरक्षण की स्थिति बिल्कुल ही शून्य है। तो इस बबल की तरह भी आपकी ज़िंदगी होता है, आपको अब तो जितने आकाश में उड़ना है आपको उतना मेहनत करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सक्सेस यदि आप होना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए उस सक्सेस उस कामयाबी को उस सफलता को पाने के लिए आपको जो है उसी लेवल की जो है मेहनत करना होगा। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप उसी लेवल की मेहनत करने को तैयार हैं, तो आपको बेशक इसका एक तो तैयारी करना है। तो कभी भी मेहनत करने से, तैयारी करने से हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आप लोग मेहनत ही नहीं करते, आप लोग तैयारी ही नहीं करते, इसी वजह से आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। तो जितना हो सके मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके तैयारी कीजिए। तो यदि आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, तो आप लोगों को इसका एक बेहतर, एक अच्छा रिज़ल्ट, एक अच्छा बेनिफिट्स आप सभी स्टूडेंट को मिल पाएगा, देन आपका सिलेक्शन जो है वह शुरू से होगा। तो छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल एससी एसटी ओबीसी आरक्षण खत्म हो चुका है, छात्रों के लिए जो है सबसे बुरी खबर है। तो आने वाले समय में जब भी छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले को लेकर, चाहे वो 76% आरक्षण हो या 50% आरक्षण के मामला हो, आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं अपडेट्स आएगा, तो आप सभी स्टूडेंट को जो मैं अवश्य रूप से ज़रूर बताऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके तैयारी कीजिए। आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी बदलेगा, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी, सक्सेस, खुशियां, प्रसिद्धि जो है मिलने वाला है। तो उस कामयाबी को, उस सक्सेस को, उस सफलता को पाने के लिए आपको डेली मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। तो ज़िंदगी में मेहनत करने से हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हम अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाला कल हमारा बेहतर नहीं होगा। इसलिए आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए हमें आज मेहनत करना होगा। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।